अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जी लिस्ट पे, आईएएस का सी FAP 01 की जो है ये सीरीज है, इसमें हमारा आज दूसरा लेक्चर है जी। और ये IFRS 16 हमारा अभी कंटिन्यू हमने किया हुआ है, उसको हम पार्ट टू करने लगे हैं आज, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो जी, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। चलो जी, हमने लास्ट टाइम जो था यहाँ तक हम कर लिया था, इससे आगे चलते हैं। कहते हैं कमेंट्री ऑफ फाइनेंस लीज इंडिकेटर, इट इज not always obvious why the above circumstances indicate that the lease is finance lease. This section provides an explanation of some of these. To understand this, it is useful to think of the term but the lesser point of view. Purchase option क्या होती है जी? Purchase option होती है कि आपने lease ली है और at the end of the lease आपका option है कि आप जो है वो एक नॉर्मल से अमाउंट दे के उसको बीच के ऑनर बन जाए। इफ द लीज इंक्लूड्स अ टर्म वेयर बाय द लेसी कैन बाय द अंडरस्टैंड एसेट्स बाय एट अ बार्गेन प्राइस एट द एंड ऑफ द लीज इज अ फाइनेंस लीज। इफ द लेसर इंक्लूड दिस टर्म इन द लीज द लेसर वुड एक्सपेक्ट द लेसी टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, देयरफॉर द लेसर नोज दैट इट नीड्स टू मेक श्योर टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टूगेदर विद and related interest during the lease term. The rental and finish and final sale price are set at a level allow it to do this. ठीक है जी। If the lease transfer ownership of the underlying assets to the lessee by the end of the lease term, or if the cost of the right of use asset reflects that the lessee will experience to purchase options, the lessee will depreciate try to view the assets commence date at the end of the usual life of the. अब इस पे होता है क्या, वो ये कहता है जी देखिए आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने परचेज ऑप्शन दे दी लेसी को, अब क्या होगा कि वो जो लेसर होगा वो डेफिनेटली जब उसके पास एसेज आप एंड में चले जाना है तो उसने एसेज की प्राइस भी जो कवर करनी है और लीज रेंटल भी लेने, राइट। और जो लेसी है वो क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन है कि वो जो एसेट को डेप्रिशिएट जो करेगा उसकी यूजफुल लाइफ पे करेगा या उसकी इकोनॉमिक लाइफ पे करेगा। अब तो अगर उसने लेसी ने जो है वो ऑप्शन ले ली है, वो एट द एंड ऑफ द जो है वो उसको परचेज कर लेगा, तो वो देखेगा कि यार इसके एसेट्स की अपनी लाइफ कितनी है। अगर लीज टर्म जो है वो 1 से 10 साल है, ठीक है जी, लेकिन एसेट्स की लाइफ जो है वो 50 साल है, तो वो उसको डेप्रिशिएट जो है 50 साल पे करेगा अगर उसने एसेट एड पे जो एसेट एसेट ले लेना है। देयरफॉर द लेसी विल पे ऑफ द फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट टुगेदर विद द लेटेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ओवर द लीज टर्म। द लेसी वुड ओनली डू दिस इफ इट हैड असेस द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ ओनरशिप इन सब्सटेंस। दिस इज जस्ट लाइक बॉर्निंग ऑफ कैश एंड बाइंग द एसेट, देयरफॉर द लीज इज फाइनेंसेस। तो ये आपके इंडिकेशंस हैं जो आपको बताएंगे कि आपके ये आपके फाइनेंसेस है या आपकी ऑपरेटिंग लीज है। इफ देयर इज अ चेंज इन द असेसमेंट ऑफ एन ऑप्शंस टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट्स द लेसी शैल डिटरमिन द रिवाइज लीज पेमेंट टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द अमाउंट्स पेबल अंडर द परचेज ऑप्शन। तो इसको आप लीज मॉडिफिकेशन कहेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। लीज इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स। अब अगर लीज जो है वो मेजर इकोनॉमिक पार्ट तक किया है, लीव इज जो एसेट्स है उसकी लाइफ जो है 1 से 10 साल है, और 1 से 10 साल की आपने लीज कर दी, उसके अंदर बार्गेन बेचे जो ऑप्शन नहीं आपने रखी, फिर क्या होगा। इफ द लेसर इंक्लूड्स दिस टर्म इन लीज द लेसर नोस दैट व्हेन द एसेट इज गिवन बैक एट द एंड ऑफ द लीज द एसेट विल ओनली हैव अ स्मॉल वैल्यू, देयरफॉर द लेसर नोस दैट इट नीड्स टू बी टू टेक श्योर दैट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टुगेदर विद एनी रिलेटेड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द लीज। The renter are set out a level allows to do this. Therefore,
The lessee will pay the full cash price of the assets together with related financial income. The lessee would only do this if it had access to the risk and benefit of the ownership. In substance, this is just borrowing कैश एंड बाइंग। तो कहता है अगर आपने इस तरह भी एक पोजीशन बन गई है कि आपने जो है उसकी जितनी लाइफ थी उतनी लाइफ के लिए उसको लीज कर दिया है, तो उसको भी आप फाइनेंशियल लीज ही कहेंगे। ठीक है जी, आगे आगे स्पेशलाइज नेचर जो आप एसेट्स की है। इफ द लेसर इंक्लूड्स दिस टर्म इन लीज, द लेसर नोज दैट व्हेन द लीज बिकम टू एन एंड इट विल अनेबल टू बी लीज टू अदर। तो अब वो लीज जब पूरी होगी तो वो किसी और को लीज दे नहीं सकता। अब वो क्या करेगा, तो कहेगा ये फाइनेंस लीज है। ठीक है जी, उसके बाद कहता है जी देयरफॉर द लेसर नोज दैट इट नीड्स टू मेक द श्योर टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टुगेदर। बिकॉज़ ये सारे पॉइंट जो है ये वो बार बार रिपीट कर रहा है, जो हमने ऊपर पढ़े ना सारे पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है कि ये फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज है। उसने आपको तीन कंडीशन बना के दे दी है, तीन कंडीशन में आप कहेंगे कि ये फाइनेंस लीज है। पहले में जो फुल फ्यूचर लीज पेमेंट अमाउंट टू सब्सटेंशियल ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, तो इसको भी आप कहेंगे ये आपकी फाइनेंस लीज है। एलुसिएशन आपको दे रहा है, कहता है जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट जो है आपकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, ये इसकी एलुसिएशन हम कर रहे हैं। द फाइनेंस कंपनी हैज परचेज एन एसेट टू लीज आउट टू अ मैन्युफैक्चरर कंपनी, द एसेट कॉस्ट 5 लाख एंड हैज कमिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो 500,000 उसकी जो है वो कॉस्ट है एसेट की और 10 साल उसकी लाइफ है। द लीज फॉर 9 ईयर्स एट एन एनुअल रेंटल ऑफ 87,000 पर एनम, इम्प्लिसिट रेट इज 10%। अब उसने क्या किया, उसने कहा जी 1 से लेकर 9 तक का लीज पीरियड है, 87,000 जो है वो कैश फ्लो है जो आपको मिलनी है, और आपका डिस्काउंट फैक्टर जो एनुअलिटी फैक्टर है 10 ईयर्स का, 9 ईयर्स का, वो ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो आपकी 501,000 है। दिस इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। अब फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट क्या है आपकी, उससे ज्यादा है वैल्यू। दिस लीज इज फाइनेंस लीज एंड ऑल्सो नोट दैट दिस लीज इज सो फॉर मेजर पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स, सो दिस इज इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। तो आप कह सकते हैं कि जनाब एक आपका एसेट था जिसकी कॉस्ट होती वो 5 लाख थी, उसको आपने आपकी लाइफ 10 साल है, तो आपने इसको 9 साल के लिए लीज किया, लेकिन 9 साल में जो आपने लीज किया उसमें आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 5 लाख 1 हज़ार मिल रहा है, जबकि आपके अपने 5 लाख लगे हुए भी आपको बस एक एसेट अभी 1 साल भी बाकी भी है। तो आप कहेंगे आप आपने जो मेजर पार्ट है वो उसको बाहर दे दिया है, तो ये आपकी फाइनेंस लीज है। द फाइनेंस कंपनी हैज परचेज एन एसेस ऑफ 50,000 एंड वी लीज आउट टू अ सीरीज ऑफ, अब वो एक सीरीज में देता है डिफरेंट लोगों को देता है। पहला वो एक को देता है, एक कंपनी को 4 साल के लिए दे रहा है वो, और उसके कहता है कि हर साल मुझे आप 10,000 रुपये पे करें। एट द एंड द लीज फॉर कंपनी ए, द एसेट टू बी लीज टू बी कंपनी, अब बी कंपनी को देगा ये 3 साल के लिए देगा, तो टोटल आपके 7 ईयर हो गए, उससे भी 10,000 लेगा। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द लीज द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द अनगारंटीड वैल्यू, अनगारंटीड वैल्यू उसकी कितनी है, 2,510 रुपये है, और उसका डिस्काउंट फैक्टर 10% है। अब उसके लीज कितनी हुई, लीज उसकी बेसिकली क्या हुआ, 4 साल के लिए ए को दी और 3 साल के लिए बी को दी, तो लीज पहले कितना हो गया उसका, 7 साल हो गए। डिस्काउंट फैक्टर 7 साल का है, उसका एनुअलिटी फैक्टर लेंगे, उसकी वैल्यू की बन जाएगी आपकी 58,000, जबकि एसेट कितने का है आपका, एसेट जो है वो 50,000 का है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है दिस इज 94%, 97.4% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, मोस्ट वुड एग्री दैट दिस वाज सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स टुगेदर विद आईएफआरएस 16 डज नॉट गिव न्यूमेरिकल बेंचमार्क, द लीज इज द फाइनेंस लीज। तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि ये आपकी फाइनेंस लीज है। अब अगर ये सिर्फ 1 से 4 साल का दिया जाता और आप इसका डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं, एनिटी फैक्टर 10 साल का लगाते हैं, उसकी वैल्यू बनती है 31,700, ये कितना बनता है, ये 66.43% बनता है। मोस्ट वुड एग्री दैट दिस इज नॉट सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड दिस इज नॉट योर फाइनेंस लीज, दिस इज योर ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो इसकी बेस पे भी आप जो है अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंस लीज है या आपकी ऑपरेटिंग लीज है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आता है, कहता है जंक कंस्ट्रक्शन हैज लीज ऑफ सीमेंट लॉरी, द कैश प्राइस ऑफ द लॉरी इज 303 मिलियन, द लीज इज फॉर 6 ईयर, the annual rental is 600,000 and asset is believed that having economic life of 7 years, interest rate is 7%. Junk is responsible for maintaining the insurance the assets. State reasons kindly junk as into अभी देखें यहाँ से आपकी लीज कितने साल के लिए हुई है, आपकी लीज जो है वो 1 से 6 साल के हुई है। ठीक
ठीक है जी, 6 ईयर की उसने लीज की है, और उसने कहा है कि जो जनाब उसका आपको लीज सेंटर कितना मिल रहा है, आपको 6 लाख लीज सेंटर मिलना है, इसका डिस्काउंट फैक्टर जो है 10% है, 10% का आप जब एनुटी लगाएंगे तो वो आपका आ जाएगा 7.64 x 7, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2860200। इसको आप डिवाइड करें टोटल वैल्यू पे, टोटल वैल्यू 3 मिलियन इसकी, 3 मिलियन पे इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा तकरीबन 95.3%। तो आप कह सकते हैं कि आपकी फ्रेंड्स लीज है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इस पोर्शन में देखा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये लीज जो आपकी ऑपरेटिंग लीज है या आपकी ये फाइनेंस लीज है। अकाउंटिंग फॉर लीज बाय लेसी, अब हम देखेंगे कि लेसी की बुक में जो है वो अकाउंटिंग कैसी होगी लीज की। लीज अकाउंटिंग इनिशियली आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वो कहता है लेस लीज इज अ कैपिटलाइज एट अ कमेंसमेंट ऑफ द लीज टर्म, दिस इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट्स दैट इज सब्जेक्ट टू लीज एंड द लायबिलिटी फॉर द फ्यूचर लीज पेमेंट। आपने क्या करना है, जब एक लेसी है वो लीज लेगा तो क्या करेगा, वो एक एसेट रिकॉग्नाइज करेगा और एसेट को नाम क्या देगा, उसको नाम देगा राइट ऑफ यूज एसेट, और एक लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा उसको नाम क्या देगा, उसको नाम देगा लीज लायबिलिटी, ठीक है जी। एट द कमेंसमेंट दैट द लेसी शुड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ यूज एसेट एंड अ लीज लायबिलिटी, इट इज द डेट ऑन विच द लेसर बिकम मेक्स द अंडरलाइंग एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज। जैसे ही आपके एसेट आपका यूज के लिए आ जाएगा आप इमीडिएटली जो उसके अकाउंटिंग शुरू करते हैं। आप क्या करेंगे, बुक्स के अंदर एक एसेट बनाएंगे राइट ऑफ यूज एसेट के नाम से एक एसेट बना लेंगे और एक उसके ऑपोजिट एक लाइब्रेरी बना लेंगे जिसको आप कहेंगे लीज लाइब्रेरी। एट द कमिश्नर डेट द लेसी शुड मेजर द राइट ऑफ यूज एज कॉस्ट, जो आपका एसेट होगा उसको आप किस पे रखेंगे, कॉस्ट पे रखेंगे। द कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ यूज शुड, उस कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होगी, नंबर वन वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ये आप सारी ऐड करेंगे। उसके अलावा एनी लीज पेमेंट एट और बिफोर द कमेंसमेंट, कोई आपने एडवांस पेमेंट कर दिया वो भी आपका एसेट बन जाएगा, आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगा एडवांस पेमेंट क्योंकि वो पेमेंट हो चुकी है लेकिन आपका एसेट बन जाएगा। फिर इनिशियल डेट कॉस्ट, कोई आपने आज खर्चे कर दिए हैं, कमीशन वगैरह पे कर दिया है, वो भी आपका उसमें ऐड हो जाएगा। और फाइनली जो कहता है वो क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू इनकर्ड बाय लेसी और डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग, और डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ द लीज टर्म को अगर आपने खर्चा करना है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू आज लेके उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपका आरओयू का पार्ट बन जाएगा। आरओयू मीन राइट ऑफ यूज एसेट्स, तो लीज एसेट्स का जो वैल्यू बनेगी इनिशियली उसमें क्या होगा, तमाम खर्चे आपके जो आज आपने किए हैं प्लस जो आपने फ्यूचर में लीज पेमेंट करनी है प्लस कोई आपने एट द एंड ऑफ द लीज कोई आपने जो है वो डिसमेंटलिंग वगैरह करनी है या रिमूविंग करनी है, कोई खर्चा करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपका आपका एसेट बन जाएगा आज का, और उसको आप जो है इक्वली जो है उसको डिवाइड करके डेप्रिशिएट कर देंगे। एट द कमिशमेंट डेट द लेसी शेल मेजर द लीज लाइबिलिटी एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट डेट आर नॉट पेड, तो जो पेमेंट भी आपने फ्यूचर में करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे वो आपकी लीज लाइबिलिटी बन जाएगी। द लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट सिंपलिसिटी रेट इफ दैट रेट इज रेडी अवेलेबल, आपने कौन सा रेट देना है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट रेट है, ये कौन सा रेट होता है, ये वो रेट होता है जो आज की वैल्यू को कल की वैल्यू के बराबर कर देगा। नॉर्मली ये रेट जो है लेसी को पता होता है, लेसी को नहीं पता होता, तो लेसी क्या करेगा, फिर लेसी जो है वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट जो है उसको यूज करेगा। अब इंक्रीमेंटरी बोरिंग रेट क्या होता है, ये क्या वो रेट है जो बैंक जो स्टेट बैंक ने अनाउंस किया हुआ, तो ये बोरिंग रेट जो है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो बैंक से लोन लेती है मैं 10% मिलता है, मिस्टर एक्स की कंपनी है वो लोन लेने जाता है तो उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसको वो 8% में लोन मिलता है, तो वो जब वो रेट यूज करेगा वो 8% यूज करेगा, जब मैं यूज करूंगा अपनी लीज में तो मैं 10% यूज करूंगा, ठीक है। जो इंक्रीमेंटल रेट क्या होता है, जो आपकी उस कंपनी का स्पेसिफिक जो बोरिंग रेट होता है जिस पे उसने लोन लिए होते हैं उस रेट पे जो है वो उसको लीज को मेजर करेगा। एंट्री क्या होगी, एसेट्स को डेबिट कर लेगा, वो लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर लेगा, ठीक है जी।
राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज डेबिट क्रेडिट। तो ये जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को जो हमने कहा, ये जो पार्ट है इसकी वो बात कर रहा है कि आपने जो लाइबिलिटी है, एक तरफ लाइबिलिटी शुरू होगी और दूसरी तरफ कैसे शुरू होगा, और एसेट में जो है उसके अलावा कुछ जो है आपको एडिशनल चीजें जो है वो ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी और लाइबिलिटी की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल क्या है, इनिशियल टैक्स कॉस्ट किया हमने, कमीशन पे किया, लीगल फीस पे की, कॉस्ट ऑफ निगोशिएशन लीज हमने किया, आपने कोई कोलेटरल दिए हैं, कोई लिक्विड सिक्योरिटीज दी है आपने, ठीक है जी, उसके लिए अरेंजमेंट किया आपने, पेमेंट मेड उधर एग्जिस्टिंग टेनर, आपने कोई बंदा निकालने के लिए, लीज को खाली कराने के लिए कोई पेमेंट कर दिए, कॉन्टिजेंट और लीज, तो ये आपने सारी चीजें जो है वो आपने उसमें उसमें ऐड कर लेनी है। एबीसी लिमिटेड पेड 3,000 एज अ लीगल एडवाइजर टू रिव्यू एंड एडवाइज द लीज एग्रीमेंट ऑफ द प्लांट ऑफ लीज बाय एसआरटी लिमिटेड। प्रोक्योरमेंट मैनेजर एबीसी रिमेन इन्वॉल्व वो दमा तफर नेगोशिएशन और लीज मंथली सैलरी पर 1,50,000। तो बताया कि इसमें वो कहता है जो आपने जो लीगल फीस दी है ये तो आपका जो है आरओयू को डेबिट हो जाएगा, लेकिन जो सैलरी है, सैलरी पेड प्रोक्योरमेंट मैनेजर इज नॉट इंसिडेंटल टू दिस पर्टिकुलर लीज, तो ये इस पर्टिकुलर लीज से रेलेवेंट नहीं है, तो इसको आप जो है इसमें आरओयू में ऐड नहीं करेंगे। रिकमेंडेशन और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है जी, अ लीज मे इलेक्ट, लेसी मे इलेक्ट नॉट टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रिकमेंडेशन अमेंडमेंट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट एंड द लायबिलिटी व्हेन दिस इज अ शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज। अगर आपकी जो लीज है वो शॉर्ट टर्म है या आपकी लीज जो है वो लो वैल्यू लीज है, तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक्सेप्शन है, अगर आप चाहो तो आप ये स्टैंडर्ड बंद लगाओ और अगर चाहो तो आप लगा लो, ठीक है जी। तो ये एक्सेप्शंस है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको, अगर आपकी शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज में 20 दिन उसके उसके जो टेन्योर है लीज का, आपने 11 महीने के लिए ली, आपने 12 महीने से कम है, या वो लो वैल्यू है, लो वैल्यू मीन मैंने मैंने लैपटॉप जो है वो लीज करा लिया, अब लैपटॉप को मैंने लीज करा लिया 10 साल के लिए, तो मुझे जो है 500 रुपये महीना देना पड़ता है या 500 रुपये साल का देना पड़ता है, तो ये वो बहुत छोटी सी अमाउंट है, टर्नओवर तो मोर देन 1 ईयर है, लेकिन इसमें इसके अमाउंट बहुत छोटी है, तो वो कहता है इसके तरह की लीजर जो है उसको भी आप IFRS 16 मत लगाओ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप लगा लो, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। शॉर्ट टर्म लीज में क्या कहता है, अनलेस लीज दैट एट द कमेंसमेंट डेट हैज अ लीज टर्म ऑफ 12 मंथ ऑफ लेस, द लेसी कैन कंटेन द परचेज ऑप्शन इज नॉट शॉर्ट टर्म। अब वो कहता है कि अगर आपने परचेज ऑप्शन ली हुई है, आप कहते हो यार मैंने मेरी लीज तो मैंने ली है जिसका पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर है, लेकिन वो लीज बाद में मैं इसको एसेट को टेक ओवर कर लूंगा, तो वो कहता है तब ये आप जो है ये ऑप्शन जो है आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। या वो आप कहते हो कि मैंने लीज लिया है लेकिन ये लीज जो है मैं इसको एक्सटेंड कर लूंगा, मेरे पास ऑप्शन है इसको एक्सटेंड करने के, मैं अगले 2 साल फिर एक्सटेंड कर लूंगा इसको 10 महीने के बाद, तो इसमें भी वो कहता है आपने एक्सटेंशन की, आपका तो ऑप्शन है और आप करेंगे एक्सटेंशन इसको, तो फिर भी आपकी शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहलाएगी। तो शॉर्ट टर्म लीज में जो है वो फर्दर आपके पास एक ऑप्शन उसने दे दी, उसने कहा यार देखें अगर आपके पास परचेज ऑप्शन है या आपके पास इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म से बाहर निकल जाएंगे, आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, आपको स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं लो वैल्यू लीज आपने ली हुई है और आप उस पर ये स्टैंडर्ड नहीं लगा रहे, लेकिन वो लो वैल्यू लीज जो आपने अगर सब लीज कर दी है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि हमने इसको सब लिस्ट कर दिया, अब आपको जो है ये स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, अब आपके पास एक्सेप्शन नहीं है कि आप इसको ना लगाएं। अप्लाइंग शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन, जैसे एबीसी एंटर्स इनटू 8 इयर्स लीज फॉर अ मशीन टू बी यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द प्लान एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन पॉपुलर विद कंज्यूमर अंटिल इट कंप्लीट्स डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ एन इंप्रूव मॉडल। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ली एफ मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी इज नॉट सिग्निफिकेंट, ए बी सी लिमिटेड ईच हैव द राइट टू टर्मिनेट द लीज विदाउट पेनल्टी ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ द लीज कमेंसमेंट। अब यहाँ पे देखें कि वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे राइट्स ऑफ टर्मिनेशन के पास है, ठीक है जी, ये जरा ध्यान रखिएगा, लीज तो हो गई 8 साल की, लेकिन उसने क्या क्या ए बी सी एंड डी ई एफ हैव
ईच हैव द राइट टू टर्मिनेट द लीज विदाउट पेनल्टी ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ द लीज कमेंसमेंट डेट. द लीज टर्म कंसिस्ट ऑफ 1 ईयर नॉन कैंसिलेबल पीरियड बोथ एबीसी लिमिट हैव सब्सटेंशियल टर्मिनेशन. तो 1 साल जो है वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, उसके बाद अगर कोई चाहे तो उसको बगैर पेनल्टी के जो है वो टर्मिनेट कर सकता है. एबीसी और डीबीसी हैव सब्सटेंशियल टर्मिनेशन गिव राइट्स, बोथ कैन टर्मिनेट द लीज विदाउट पेनल्टी एंड द कॉस्ट टू इंस्टॉल द मशीन में डीईएफ मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट इज नॉट सिग्निफिकेंट एज अ रिजल्ट दिस क्वालिफाई फॉर अ शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन. तो यहाँ पे आपको क्या, आप कहेंगे ये जो है ये शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो आप स्टैंडर्ड ना लगाएं. अप्लाइंग लीज इज लो वैल्यू एक्सेप्शन. लो वैल्यू में क्या होता है, लेसी ए इज इन द फार्मास्यूटिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री एंड हैज द फॉलोइंग लीजेस. कौन सी है, ये लीज ऑफ रियल एस्टेट, बोथ ऑफिस बिल्डिंग एंड वेयर हाउस, लीज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड लीज ऑफ कंपनी कार्स, बोथ फॉर सेल पर्सनल एंड फॉर सीनियर मैनेजर एंड वेरीफाइंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड वैल्यू. लीजेस ऑफ ट्रक्स एंड वैंस, वैंस लीजेस ऑफ आईटी इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप. अब इतनी सारे उसने लीजेस कर ली है. वो कहता है डिटरमिन दैट लेसी लीजेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड लैपटॉप. ऑफिस फर्नीचर जो है या आपका लैपटॉप जो है वो क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एग्जेम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स व्हेन दे आर न्यू आर यूजुअली एट लो वैल्यू. बी इलेक्ट टू अप्लाई एक्सेप्शन ऑफ दिस. तो वो कहता है इसमें जो है आप जो है वो एक्सेप्शन अप्लाई कर सकते हैं और इन चीजों के लिए जो है उसको आप IFRS 16 से बाहर रख सकते हैं. एज अ रिजल्ट इट अप्लाइज इट रिकॉग्नाइज द मेजरमेंट ऑफ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 16 टू इट्स लीजेस रियल एस्टेट कंपनी कार्स एंड ट्रक. बाकी पे जो आप जो IFRS 16 अप्लाई करेंगे. अभी बात करते हैं जनाब आपसे लीज अकाउंटिंग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बाद में क्या होगा. पहले हमने कहा इनिशियली क्या होगा, हमने कहा इनिशियली जो है हम राइट ऑफ यूज एसेट बुक करेंगे, हम लीज लायबिलिटी बुक करेंगे. उसके अलावा हमने कहा जी शॉर्ट टर्म लीज अगर है तो उस पर एक्सेप्शन ले लेंगे, उस पर स्टैंडर्ड प्लानिंग करेंगे. फिर हमने कहा जी लो वैली लीज अगर है तो उस पर हमें एक्सेप्शन ले लेंगे, ये स्टैंडर्ड प्लानिंग करेंगे. अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहता है आफ्टर कमेंसमेंट डेट अ लेसी शुड मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट बाय अप्लाइंग अ कॉस्ट मॉडल अनलेस इट अप्लाइज आइदर द मेजरमेंट मॉडल डिस्क्राइब लो. वो कहता है इसको कॉस्ट मॉडल लेके चले, कॉस्ट मॉडल लेके चले आप इसपे, या आप इसपे दूसरा मॉडल लेके चले. दूसरा मॉडल इसपे कौन सा है, वो इस पर रिवैल्यूएशन मॉडल है अंडर IAS 40 और अंडर IAS 16. ठीक है जी, अगर आप कॉस्ट मॉडल लेते हैं ये सेम मॉडल कर रहे हैं, आप समझे कि आप इसको IAS 16 लगा रहे हैं. आप अभी क्या हुआ, मैंने लीज को आइडेंटिफाई कर लिया, इनिशियली मैंने बता दिया मेरा ROU कितना है, मेरी लीज पेमेंट कितनी है. अब ये ROU जो है इसको आप कैसे शो करेंगे, इसको नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसको आप IAS 16 में शो कर देते हैं, कॉस्ट मॉडल ले लेते हैं. फिर जैसे आपके कॉस्ट मॉडल वर्क कर रहा है इसी तरह आप इस ROU को वर्क कराएंगे. और नॉर्मली कंपनी क्या करती है, वो जो पीपी का स्केड्यूल बनता है उसी स्केड्यूल में एक लाइन ऐड कर देते हैं ROU ऑफ द एसेट्स की, क्योंकि वो कहते हैं इसको IAS 16 में रखा हुआ हमने, ये IAS 16 ही है, तो उसको सेपरेट जो है फ्रंट पे नहीं दिखाते आपको. ठीक है जी, तो उसको IAS 16 में यूज करते हैं एज अंडर द कॉस्ट मॉडल. या वो क्या करेंगे, वो कहेंगे हम इसको IAS 40 में भी दिखा सकते हैं. ठीक है, और दूसरा हम इसको रिवैल्यूएशन मॉडल भी दिखा सकते हैं अंडर IAS 16. तो ये हमारे 3 ऑप्शंस हैं कि हम अपने जो एसेस ROU एसेस है उसको हम कैसे बाद में ट्रीट करेंगे. कॉस्ट मॉडल कहता है द टू अप्लाई द कॉस्ट मॉडल द लेसी शुड पे द राइट ऑफ यूज एसेट दैट कॉस्ट लेस एनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्युमुलेटेड इनवेंटरी लॉस एंड एडजस्टमेंट ऑफ रीमेजरमेंट ऑफ द लायबिलिटी. ये आपकी जो चीजें हैं ये आपकी IAS 16 जो कह रहा है उस हिसाब से अपने इसको इनकॉर्पोरेट करना है. ये रीमेजरमेंट क्या है, ये आपकी मॉडिफिकेशन वगैरह है, क्या कह रहा है मॉडिफिकेशन आपकी लायबिलिटी में होती है तो उसका इफेक्ट जो आपने इसमें ROU में डालना है. इसमें दो चीज आती है, एक मॉडिफिकेशन और एक रीअसेसमेंट. दोनों केसेस में जो है आपकी लायबिलिटी चेंज होती है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो है वो ROU एसेट पे आता है. एलएसएस टू अप्लाई द डेप्रिसिएशन रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 16. तो आपने डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, आपने डेप्रिसिएशन जो है IAS 16 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करनी है. इफ द एसेट ट्रांसफर
द लेसी ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ द लर्नर एसेट्स टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म और इफ द कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट्स डिटेक्ट दैट लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शंस द लीज शुड बी डेप्रिशिएटेड राइट ऑफ यूज एसेट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट टू द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो अगर हमने आपने एंड पे जो है लेसी ने उसका ऑनर बन जाना है, तो वो कहता है कि जितना एसेट्स की लाइफ है अब उसके हिसाब से उसको डेप्रिशिएट करें, अब लीज टर्म के हिसाब से उसको डेप्रिशिएट ना करें क्योंकि एसेट तो आपने आपके आपके पास ही आ जाना है। अदरवाइज द लेसी शुड डेप्रिशिएट द राइट ऑफ यूज एसेट एट द कमेंसमेंट डेट टू द अर्लियर एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो वो कहता है अदरवाइज क्या करें विच एवर इज अर्लियर, कि अगर आपकी लीज जो है वो 10 साल की है, ऐसी 50 साल है और एसेट आपके पास एंड पे नहीं आना, तो आप उसको 10 साल तक उसको डेप्रिशिएट करें। अदर मेथड क्या है जी, इफ द लेसी अप्लाइज द फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल कहाँ पे लगता है, YS 40 में लगता है टू इट्स रेसिडेंट प्रॉपर्टी, द लेसी शुड आल्सो अप्लाई द फेयर वैल्यू मॉडल टू राइट ऑफ यूज एसेट्स दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट कर रहा है आरओयू एसेट्स, आरओयू एसेट, तो आप उस पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला जो है फेयर वैल्यू मॉडल लगा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, इज द राइट ऑफ यूज एसेट्स लेट टू क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एग्रीमेंट, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एग्रीमेंट से जाकर लेट कर रहा है तो उसको आपको रीवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल फर्क क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल में जो है वो डिफरेंस जो है पीएनएल में जाता है और रीवैल्यूएशन मॉडल में जो डिफरेंस है वो ओसीए में जाता है, बस यही फर्क है, बाकी दोनों मेथड सेम है। अनलेसी मे इलेक्ट टू अप्लाई दैट रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ ऑल द राइट ऑफ यूज एसेट रिलेटेड टू क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, तो कहता है एक क्लास के हिसाब से आपने जो है एक क्लास पे अगर आपने रिवर्स मॉडल लगाया है तो एक ही क्लास में दो मॉडल नहीं लगा सकते, आपको एक क्लास पे एक ही मॉडल लगाना है। ठीक है जी, अभी बात कर रहा जी आपसे एलोसिएशन दे रहा है, कहता है जंग कंस्ट्रक्शन एंटर टू 6 ईयर लीज फॉर मशीन ऑन फर्स्ट ईयर, द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज इज 80,000 एंड जंग कंस्ट्रक्शन इनकर इनिशियल डेट क्रॉस पर, तो उस पर फेयर वैल्यू कितनी 80,000 है और 2,000 8,000 80,000 2,000 उसने उस पर एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए हैं, द एस्टिमेटेड रेजिडेंट वैल्यू कितनी है एंड पे जो है उसकी 8,000 उसकी रेजिडेंट वैल्यू है और 5 साल की जो उसकी जो है उसकी यूजफुल लाइफ है। द अकाउंटिंग पॉलिसी सिमिलर ऑन मशीन हिज टू डेप्रिशिएट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। उसने कहा जनाब देखें ये तो मेरा खर्चा हो गया और इतनी मुझे रिकवरी हो जाएगी बाद में जब इसको सेल करूंगा, तो ये टोटल मेरी कॉस्ट है, इस कॉस्ट को आप 5 पे डिवाइड करके जो है आप इसकी डेप्रिसिएशन जो है 5 साल की 14,800 हर साल जो है चार्ज कर लें। द अदर लेगेसी इंक्लूड द एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट्स कैरिंग अमाउंट कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ एनी सेम इन द सिमिलर एसेट्स। देखिए शेड्यूल बना दिया उसने, उसने कहा जी आपके 82,000 का आपका एसेट है, इसमें आपने क्या किया डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है हर साल सेम स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है जी, और एंड पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो उसकी वैल्यू वही है जो उसकी रेजिडेंट वैल्यू है 8,000 एंड में निकल आएगी आपके, और इस पे आप एसेट को सेल कर देंगे। लीज अकाउंटिंग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी को आप सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करेंगे, आफ्टर द कमेंसमेंट डेट अ लीज शुड मेजर द लीज लायबिलिटी बाय इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट। आप क्या करेंगे, आपका एक लीज लायबिलिटी है, ठीक है जी, आपने कहा जी लीज लायबिलिटी मैंने जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है मेरी 8 लाख है, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, मैंने हर साल कितनी पे करनी है, मैंने हर साल जो है वो 80,000 पे करना है, तो इससे ये लायबिलिटी कम हो जाएगी आपकी, और इस पे मैंने इंटरेस्ट देना है, इसका 10% इंटरेस्ट है, तो इस पे 10% जो इसका इंटरेस्ट है वो मैं इस पे ऐड कर लूंगा, ठीक हो गया जी, तो इंटरेस्ट इस पे ऐड करेंगे, जो आपने कैश पेमेंट करनी है आप चले कैश पेमेंट आप 1,80,000 कर लें तो बाकी इसका बैलेंस आ जाएगा, इस तरह ही बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करें और उसमें से पेमेंट लेस कर दें उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो ये बात यहाँ पे कर रहा है। क्या ना कि आपकी एक लीज लायबिलिटी मेजर की है, आपने प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट मेजर की है, उसमें क्या करें इंक्रीज करें इसको द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसमें ऐड कर लें आप, रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द लीज पेमेंट, लीज पेमेंट उसमें से आप माइनस कर दें, एंड द रीबजटिंग को बाद में कोई रीबजट की है कोई मॉडिफिकेशन की है कोई रीअसेसमेंट की है उसका इफेक्ट इसमें डाल दें और क्लोजिंग बैलेंस निकाल दें उसका, ठीक है जी। आफ्टर इनिशियल कंसीडरेशन द लीज लायबिलिटी इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड आपने लगाना है,
ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ये मेथड क्या है, वही आपने स्पेल लगाना है। आफ्टर द कमिशन डेट अनलेस ही शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट अनलेस द कॉस्ट आर इनकर्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एनदर एसेट अप्लाई दस एंड बोथ इंटरेस्ट ऑन द लीज लायबिलिटी वेरिएबल लीज पेमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन माय इमेंट। कहता है कि आफ्टर द कमिशन आपने कमिशन की अनलेस शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस में आपने क्या शो करना है, अनलेस ही शुड रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट और लॉस अनलेस द कॉस्ट आर इंक्लूड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी अदर एसेट अप्लाई अदर एप्लीकेशन। अगर ये अमाउंट किसी और आप एसेट में ऐड कर रहे हैं तो उधर करते हैं, वरना आप इसको क्या, आप इसको प्रॉफिट लॉस में शो कर। जैसे ही आपने इंटरेस्ट लिया ना, सॉरी बात ये देखिए, ये इंटरेस्ट आपने ऐड किया, अब ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। वो कहता है हाँ, अगर ये कैपिटलाइज हो रहा है कहीं जाके तो उसको कैपिटलाइज कर दें, ठीक है, तो इसको आप कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप पीएनएल में डाल देंगे, ये बात कर रहा है आपसे। रीअसेसमेंट, अब वो कहता है कि रीअसेसमेंट आप करें और उसके बाद वो बात करेगा आपसे मॉडिफिकेशन की, ठीक है जी। आगे इसका एक इफेक्ट चैप्टर आएगा जो बात करेगा आपसे मॉडिफिकेशन की। दो चीजें आएंगी, दो टॉपिक आएंगे, ये रीअसेसमेंट और ये मॉडिफिकेशन, दो चीजें हैं। ये क्या चीजें, देखिए जी मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ, फिर मैं इसको पढ़ता हूँ आपको समझ में आएगा। पहले इसको थोड़ा समझ लें, फिर आपको इंग्लिश समझ आएगी इसकी, अदरवाइज ऊपर से निकल जाएगा। एक मिनट का पानी पी। हाँ जी, रीअसेसमेंट क्या होता है, रीअसेसमेंट सिंपल होता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीजें हैं उस पे अगर कोई चेंज आती है बाद में तो उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट है। लेकिन अगर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी ही नहीं, अब बाद में ऐड करते हो, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने एक लीज ली, मैंने कहा यह लीज है, ये 1 साल से लेके जाएगी और 10 साल तक मैं इसको लीज दिया, लेकिन मैंने इसकी अकाउंटिंग करनी है, मैंने 10 साल की जो है लाइबिलिटी निकालनी है। मैंने कहा हर साल मुझे 1,000 पे करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 10,000 पे करना है टोटल, इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज लाइबिलिटी बुक करूंगा, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने लीज जो है 10 साल की तो करा ली, लेकिन मैं इसको 10 साल तक लेके नहीं जाऊंगा, मैं इसको 5 साल तक लेके जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 5,000 टोटल पे करना है, हर साल 1,000 पे करना है, उस 5,000 का मैं प्रेजेंट वैल्यू ला के आज मैं लीज लाइब्रेरी क्या बुक करूंगा, 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू आज लीज लाइब्रेरी बुक करूंगा। अब क्या हुआ, 2 साल के बाद क्या हुआ, आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ, मैंने कहा नहीं यार मुझे ये लीज 10 साल तक लेके जानी है, बड़ी फायदे में है, तो ये बड़ी सस्ती है, तो अब ये मेरा एस्टिमेशन चेंज हो रहा है। एक चीज मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास इख्तियार थे कि मैं 10 साल तक लेके जाऊंगा, तो मैंने एस्टिमेट किया 5 साल का, मैंने 5 साल की लाइब्रेरी बुक की, लेकिन 2 साल के बाद मैंने कहा नहीं यार मैं 10 साल तक लेके जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अगले यहाँ तक यहाँ के जो मजीद लाइब्रेरी है वो 10 साल, 5 साल की जो लाइब्रेरी मैंने नहीं बुक की थी वो दोबारा बुक कर लूंगा, तो इसको बोलेंगे रीअसेसमेंट है ये। इसमें कोई चेंज नहीं आया, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं आया, मैंने उसे जाके नहीं कहा गया नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, या मैंने जाके कुछ लीगल फॉर्मेलिटी की, मैंने कोई बात नहीं, मेरा एस्टिमेट था, मैं पहले 5 साल का कर रहा था, 5 साल के हिसाब से लाइब्रेरी बुक की थी, 5 साल के हिसाब से एसेट बुक किया होता 5,000-5,000 का, लेकिन अब मैं कहने यार मुझे 10 साल तक लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा अपने, तो स्टडी कहता है अगर जब ये डिसाइड आपने लिया तो अब क्या हुआ, अब इसका एक काम करो, एक आपकी लीज लाइबिलिटी है और आपका आरओयू एनालिसिस है, अब इसका इफेक्ट दोनों में डाल दो, इससे पीएनएल में कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट तो हो ही नहीं, आपको ना आपको कोई लॉस हुआ है, आपका एक अपना इंटरनल एस्टिमेट चेंज हुआ है, पहले आपने लाइबिलिटी 5,000 की बुक की थी, आपने एसेट 5,000 का बुक किया था, अब आपने कहा नहीं यार मुझे 10 साल तक जाना है, मुझे 10,000 का एसेट चाहिए, 10,000 की लाइब्रेरी चाहिए, तो आपको कहता है नो प्रॉब्लम, एसेट भी डालो लाइब्रेरी भी डालो, ठीक है जी। इसको बोलते हैं रीअसेसमेंट, कि आप अपने असेसमेंट को चेंज कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन क्या होती है, इसके अगेन मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि अब मैंने कहा यही यही सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को मैं लेकर चलता हूं अगर, तो यहाँ को मॉडिफिकेशन कैसी होगी, वो कहता है यार देखो हमने क्या करना है, हमने इस लीज को जो है वो 7 ईयर के बाद नहीं लेके जाना, हम बस 7 ईयर पे कट ऑफ कर देंगे,
मैं उसके पास गया, मैंने कहा देखो यार आज मैं 2 साल बैठा हूँ, मैंने 10 साल की लाइब्रेरी बुक की हुई है ठीक है, लेकिन दूसरे साल मैंने कहा, मैंने कहा यार नहीं मैं 7 ईयर से आगे इसको लेकर नहीं जाने वाला। मैं उसके पास गया, मैंने कहा लेसर भाई आफ्टर 7 ईयर आई विल टर्मिनेट दिस वन, मुझे टर्मिनेशन चाहिए, आप इसको मैं टर्मिनेट करूंगा, आप मुझसे एग्रीमेंट कर लें, जनाब जो प्लानिशन डालनी डालो कि मैं साथ साथ इसको खत्म कर दूँ, आई विल नॉट कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स। तो इसको होते ही मेडिकेशन, वो कहता है देखो आप क्या करो, आप लीज लाइब्रेरी को कम करो, आप लीज लाइब्रेरी को कम करो और आप आरओयू को भी इक्विवेलेंट कम करो। अब जो आप लीज लाइब्रेरी आप कम करेंगे और आरओयू को कम करेंगे, इसमें डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा वो कहता है इस डिफरेंस को आप कहाँ चार्ज करो, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करो, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा। हाँ अगर आपका आरओयू नील हो चुका है, अगर आपका आरओयू नील हो चुका है जिस डेट पे आप रीअसेसमेंट कर रहे हैं उस डेट पे आपका आरओ सारा डेप्रिशिएट हो चुका है, जीरो है, तो तब आप जो फिगर है वो पीएनएल में ले जाएंगे क्योंकि आरओयू अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन मॉडिफिकेशन में जो है वो कहता है आपको डेफिनेटली जो है वो डिफरेंस आएगा जब आप लाइब्रेरी को मॉडिफाई करोगे और उसके इक्वलेंस जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो आप आरओयू को जो एडजस्ट करेंगे, तो उस पे क्या होगा, उस पे आपका जो है वो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को आप पीएनएल में चार्ज करेंगे ठीक है जी। इस पे जो है वो जून जून 2022 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 आया है मॉडिफिकेशन पे, और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने वो एक जो एक्स्ट्रा लेक्चर शुरू किए हुए तो उसपे इंशाल्लाह ये जो है इसको मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे, उसके अंदर उसमें आपको मजीद जो है आइडिया हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो कल क्लास होगी उसकी, मेडिकल होगा उसका ठीक है जी। कल हमारा दोनों मेडिकल उसके कर चुके थे, थर्ड करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो फिर चौथा भी करेंगे, तो इसमें इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस कर लिया कि रीअसेसमेंट क्या होता है और मॉडिफिकेशन क्या होता है और इसको कैसे इसकी अकाउंटिंग करते हैं ठीक है जी। अब जो है हम इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगा कि क्या बात हुई। तो सबसे बात करेंगे रीअसेसमेंट की, तो रीअसेसमेंट वो क्या कहता है जी हमें, कहता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ डेट अ लेसी शुड रीमेजर द लीज लाइब्रेरी बाय यूजिंग आइदर अनचेंज्ड डिस्काउंट रेट और शुड रीमेजर द लीज लाइब्रेरी बाय डिस्काउंटिंग द रिवाइज डिस्काउंट रेट टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द लीज पेमेंट। द लेसी शुड रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ रीमेजरमेंट ऑफ द लीज लाइब्रेरी एज एन एडजस्टमेंट ऑफ द आरयू। देखिए वो बात कर रहा है कि उसकी एडजस्टमेंट जो होगी वो कहाँ पे होगी, वो आरयू में होगी, पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा ठीक है जी। जो ये कहता है कि इसको आपस में एडजस्ट करेंगे, इसको पीएनएल में कुछ लेके नहीं जाएंगे। रीअसेसमेंट किसी 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 लेवल पे भी रीअसेसमेंट हो लेकिन वो ओरिजिनल टर्म के अंदर हो, जो ओरिजिनल टर्म थी उसी को हमने रीचेंज किया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें इफेक्ट जो है वो आरओयू एसेट में रहेगा। पहले आपने लाइब्रेरी को चेंज 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 करना है, फिर आपने आरओयू को चेंज करना है, फिर हम देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है वो आपस में एडजस्ट कर देंगे। हाउएवर इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट इज जीरो, अब कहता है आरओयू जीरो पड़ा हुआ है तो फिर क्या करेगा, देन द फर्दर रिडक्शन इन द मेजरमेंट इन द लीज लाइब्रेरी एंड लीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर आप उसका डिफरेंस जो है आरओयू जीरो पड़ा हुआ है, अब जो लीज लाइब्रेरी ऊपर नीचे हुई है उसका दूसरा इफेक्ट आप पीएनएल में डालेंगे। ड्यूरिंग द ईयर द लेसी मेक्स वन और मोर लीज पेमेंट्स द रीपेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द लेजर फॉर एस फ्लो। तो एंट्री क्या होगी उसकी, वो कहता है लीज लाइब्रेरी डेबिट हो जाएगी, वो कैश क्रेडिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। अ लीज लाइब्रेरी इज मेजर्ड इन द सेम वे एंड अदर लाइब्रेरी द बैलेंस एट एनी पॉइंट टाइम एस फ्लो। वो कहता है कैसे निकालेंगे आप, सिंपल इज दैट आप क्या करेंगे, अमाउंट बोरोड एट द स्टार्ट ऑफ द लीज ठीक है, कितने हमने स्टार्ट में लीज ली उस पे इंटरेस्ट एलिमेंट आप ऐड कर लें, पेमेंट उसकी माइनस कर दें तो उसका बैलेंस आ जाएगा, जिसको बोल इसी को बोलते हैं एमोर्टाइजेशन मेथड, ये आपका एमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है। इनफैक्ट ईच लीज पेमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, अ फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द लीज लाइबिलिटी एंड पार्शियल पेमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी। तो एक प्रिंसिपल पे करना आपने, एक आपने इंटरेस्ट पे करना ठीक है जी। एक मिनट जरा मैं अभी आता हूँ।
चलते हैं। अ फाइनेंस चार्ज इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल कॉस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ अकाउंट एंड द पार्शियल पेमेंट ऑफ द लीज ऑब्लिगेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी से आप रिड्यूस करेंगे उसको, जितनी आपकी लाइबिलिटी है जब पेमेंट होगी तो, और फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो का पेडियल में जाएगा। अ लेसी शैल रिड्यूस बाय द लीज लाइबिलिटी बट इट कंसिडर रिवाइज लीज पेमेंट यूजिंग द रिवाइज डिस्काउंट रेट इफ आइदर। वो कहता है कि आप अपने रीअसेसमेंट करनी है, तो जो रीअसेसमेंट होगी उसमें जो आप जो लाइबिलिटी निकालेंगे उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू आप क्या करेंगे, आप रिवाइज डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे दो सिचुएशन में। इसके अलावा जितनी भी सिचुएशन होगी उसमें आप ओल्ड जो है वो ही यूज करेंगे। पहली क्या है, अ चेंज द लीज टर्म, लीज टर्म आपकी चेंज हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप न्यू जो है नया रेट इस्तेमाल करेंगे। और दिस इज अ चेंज इन मेजरमेंट ऑफ, आपने परचेस ऑप्शन आपको दी हुई है, परचेस ऑप्शन चेंज हो गई है तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो रिवाइज रेट जो है उसका यूज करेंगे। फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में कहते हैं जनाब, फाइनेंशियल चार्जेस द टोटल रेंट पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द लेसी विल बी बोर्न देन द अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज एज अ लायबिलिटी द डिफरेंस इज द फाइनेंशियल चार्जेस। ठीक है जी, तो सिंपल बात है इसमें भी। एलिस्ट्रेशन क्या है, द जंग कंस्ट्रक्शन एंटर सिक्स ईयर्स, 6 साल की लीज है मशीन इन January 1, 2001। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द कमेंसमेंट डेट इज 80,000 है। द जंग कंस्ट्रक्शन इनिशियल कॉस्ट की 2,000 है, उसके का लीज पेमेंट जो 18,000 है और रिजर्व वैल्यू जो उसकी 8,000 है। तो यहाँ पे कहते हैं इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट रेट उसने दिया हुआ आपको, तो इस रेट पे आप क्या करेंगे, आपने कहा जनाब लीज रेंटल जो है वो 6 साल तक उसको मिलेंगे, राइट, उतनी पैसे उसने गारंटी दी हुई है। और ये जी के क्या जनाब, अमाउंट ऑफ इनिशियल आपकी 8,000 थी तो 36,000 क्या है आपका, ये आपका फाइनेंशियल चार्जेस है, तो डिफरेंस जो है आपका फाइनेंशियल चार्जेस। अब बात करते हैं लीज मॉडिफिकेशन की। हमने लीज मॉडिफिकेशन की बात कर ली, ऊपर हमने क्या बात की, हमने ये बात की जनाब कि लीज मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा। ठीक है, हमने फिर ये बात की कि इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, वो इंशाल्लाह कल का लेक्चर है हमारा, कल इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें लीज मॉडिफिकेशन जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगी कि इसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। लीज मॉडिफिकेशन क्या बात करते हैं, कहता जी अ चेंज इन द स्कोप ऑफ अ लीज और कंसीडरेशन ऑफ द लीज दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड कंडीशन। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था लेकिन आपने इसमें बाद में एडिंग किया, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे लीज मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल्स क्या है, एडिंग और टर्मिनेटिंग द राइट ऑफ यूज ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स, एक्सटेंडिंग द शॉर्टिंग द कंस्ट्रक्शन और लीज टर्म। The first questions we have to answer, the additional right of use is granted or not. तो इसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक हम ये करेंगे कि when the additional right of use is granted, और बाद में डिस्कस करेंगे when the additional right of use is not granted. ठीक है जी, तो ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। वो कहता जी if the price of the additional rights was commensurate with the standard selling price, वो कहता है आपने additional right दिए, मैंने एक लैपटॉप लिया होता, मैंने कहा एक और लैपटॉप दे दो, जो दूसरा लैपटॉप लिया उसका लिस्ट प्राइस क्या है, वो वही है जो मार्केट में चल रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो कहता है कि ये जो है ये इज अ न्यू सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है ये आपका जो ओरिजिनल चल रहा है वो एक कॉन्ट्रैक्ट आप चलने दो, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको मॉडिफिकेशन नहीं कह सकते, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपकी दो लीज हो चुकी। द लेसी शुड अकाउंट फॉर द लीज मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट लीज इफ बोथ, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर वन क्या है, द मॉडिफिकेशन इंक्रीज द स्कोप ऑफ लीज बाय एडिंग द राइट ऑफ यूज ऑन वन मोर एडिशनल एसेट, और द कंसीडरेशन ऑफ द लीज इंक्रीज द अमाउंट कमेंसुरेट विद द स्टैंड अलोन सेल प्राइस। तो कहता है स्टैंड अलोन सेल प्राइस भी होनी चाहिए और एक जो एसेट्स है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये आपकी सेपरेट लीज है, आप एक लीज पहले चल रही है एक और इसमें ऐड कर दें। लेकिन वो कहता है एडिशनल आर नॉट ग्रांटेड, अगर नॉट आ गया तो फिर व्हेन द प्राइस ऑफ द एडिशनल राइट्स यूज डज नॉट कमसुरेट विद द स्टैंडर्ड प्राइस, अब जो प्राइस है एडिशनल की वो मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट प्राइस नहीं है, तो फिर क्या होगा,
फॉर अ लीज मॉडिफिकेशन दैट इज नॉट अकाउंटेड फॉर एज अ सेपरेट लीज एट द इफेक्टिव डेट, तो इसको आप कहेंगे कि ये सेपरेट लीज नहीं है. एलोकेट द कंसीडरेशन इन द मॉडिफिकेशन इन द मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग इज गाइडेंस टू एलोकेटिंग द कंसीडरेशन रिसीव फॉर द कॉन्ट्रैक्ट दैट कंटेन्स अ लीज कंपोनेंट ऑफ वन और मोर एडिशनल लीज और नॉन लीज कंपोनेंट द लेसी शुड एलोकेट द कंसीडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट टू ईच लीज कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेलिवेंट स्टैंडर्ड एंड प्राइस. तो आप क्या करेंगे, आपने कहा एक लीज लिया, मैंने गाड़ी लीज किया, उसके साथ मैंने उसकी मेंटेनेंस सर्विस भी लीज कर ली, तो कहता है कि आप देखें कि इनकी अपनी जो है फेयर वैल्यूज हैं, उस फेयर वैल्यूज की एक रेशियो बना लें, उस रेशियो के हिसाब से जो है वो लीज को जो है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर कहता है द रिलेटिव स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ लीज एंड लॉज दिस कंपोनेंट शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ लेसर और द सिमिलर सप्लायर वुड चार्ज. तो इसमें बताया कि उसको कैसे उसकी प्राइस निकालेंगे. इफ द ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्राइस इज नॉट रेडी अवेलेबल द लीज शुड एस्टिमेट द स्टैंड ऑब्जर्व प्राइस नहीं है तो आप उसके एस्टिमेट प्राइस निकाल के उसके एक रेशियो बना लें, उस रेशियो के हिसाब से उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लें. हाउएवर प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कहता है द लेसी मे इलेक्ट द क्लास ऑफ लेसी नॉट टू बी, वो कहता है कि लेसी कहता है यार सबको एज इट इज जाने दो, कोई जरूरत नहीं हमें अलग करने की. तो स्टैंडर्ड कहता है ये अलाउ कर सक अलाउ करता है, कहता है ठीक है आप अगर उसको सेपरेट नहीं करना चाहते तो आप ना करो, एज इट इज जान दो. डिटरमिन द लीज टर्म और मॉडिफाई लीज, उसको कहता है लीज टर्म बताएं कितनी है. रीमेजर द लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी को रीमेजर करें आप बाय डिस्काउंटिंग द रिवाइज लीज पेमेंट यूजिंग अ रिवाइज डिस्काउंट रेट. ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आप जो आप आपकी जो बैलेंस लायबिलिटीज है उसको आप निकालें कितनी बैलेंस लायबिलिटी है, उसको नए रेट पे आप जो है उसको कन्वर्ट कर दें. द रिवाइज डिस्काउंट रेट डिटरमिन एज द इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ द लीज रिमाइंडर पीरियड, इफ दैट इज नॉट अवेलेबल देन योर बोरिंग रेट विल बी यूज. ठीक है जी, तो इस पर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है इस पर, जून 2022 में आया हुआ है, वो आपको इसको मॉडिफिकेशन को जो मजीद क्लियर करेगा. यहाँ पे इसने एक इलस्ट्रेशन दी हुई है छोटी सी, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है. ये कहता है जनाब AL entered into 5 years lease per month of the square feet. अब उसने जो एरिया था उसने 1500 का स्क्वायर फीट का ये जो है वो लीज पे दिया होता और उसके 10,000 रुपये उसको महीना मिल रहा था. उसने कहा यार मुझे एडिशनल चाहिए, मुझे 1000 स्क्वायर फीट और एडिशनल चाहिए. उसने कहा ठीक है, और इसकी हमने कहा इसकी लीज जो प्राइस है वो हम उसको 6000 देंगे, पहले हम 10000 ले रहे थे, हमने कहा 6000 पे देंगे. अब वो कहता है ए लिमिटेड विल मेक वन मंथली पेमेंट ऑफ 60,000 पर मंथ आफ्टर द मॉडिफिकेशन. उसने कहा बाद में एक ही पेमेंट होगी, अब उसको 10,000 उसके 6,000 उसके बना के 16,000 आप दिए जाए. हाउ शुड ए अकाउंट फॉर द लीज मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कैसे करेगा. कहता है ए शुड अकाउंट फॉर द लीज मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट लीज बिकॉज द मॉडिफिकेशन ऑफ ए एडिशनल राइट्स ऑफ यूज द प्राइस दैट कमिसरेट विद द स्टैंडर्ड. वो कहता है ये 6,000 है, ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, तो इसको आप कहेंगे ये सेपरेट लीज है. द ओरिजिनल जो है वो 2,000 स्क्वायर फीट की है, वो 5 years. ठीक है जी, और न्यू लीज कितनी है. अच्छा यहाँ पे ना उसने ऊपर आपको पहले 1500 का है, यहाँ पे गलती से 2000 कर गया है, ये 1500 ही है. मैं भी कंफ्यूज हो गए थे 2000 कहाँ से आ गया. द अकाउंटिंग ऑफ द ओरिजिनल लीज इज नॉट इम्पैक्टेड बाय द मॉडिफिकेशन. ठीक है, उन्होंने कहा सेपरेट लीज है तो इसको आप सेपरेटली रखें. लेसी रीअसेसमेंट ऑफ लीज एक्सेप्शंस. अच्छा शॉर्ट टर्म लीज में देखें, लीज शॉर्ट टर्म लीज है उसकी रीअसेसमेंट हो रही है, तो फिर क्या होगा. लेसी शुड रीअसेस वेदर द शॉर्ट टर्म लीज कंटिन्यू टू क्वालिफाई फॉर द शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन वेयर आइदर द फॉलोइंग इवेंट्स हैड अकर्ड, मॉडिफिकेशंस और रीअसेसमेंट ऑफ द लीज टर्म चेंज बिकॉज द लेसी इलेक्ट टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन such that after the change the remaining lease term extended to 12 months from the date the lessee becomes reasonable certain to exercise the options. तो यहाँ पे वो कहता है इसमें जो है जो शॉर्ट टर्म पीरियड है वो आपका लॉन्ग टर्म में बदल जाएगा और आपको जो है इसको IAS जो है वो IFS 16 जो है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है जी, तबीयत तो ऐसी मेरी सेट नहीं है, फिर मैंने क्लास तो करनी थी.
एक मिनट मुझे दीजिए, मैं आ रहा हूँ। सुना चलो जी स्टार्ट करते हैं। कहता जी करंट एंड नॉन करंट एलिमेंट ऑफ द लीज लाइब्रेरी। अब लीज लाइब्रेरी में आपने क्या करना है, आपने करंट और नॉन करंट को सेपरेट करना है। द टोटल लाइब्रेरी वाज डिवाइडेड बिटवीन करंट लाइब्रेरीज, जो नेक्स्ट टर्म में आपने पे करनी है वो करंट लाइब्रेरीज है, उससे बाद जितनी आपने पे करनी है वो नॉन करंट लाइब्रेरीज है। वो कहता है देखें जी आपके लीज है, आपने अच्छी तरह स्टार्ट किया, आपने कहा इतनी पेमेंट करना है, इतना इंटरेस्ट करना है, ये आपका जो है वो प्रिंसिपल पेमेंट हो गई, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये ओपनिंग बन गया। उस पर आपने पेमेंट की, इंटरेस्ट ऐड किया, प्रिंसिपल एलिमेंट माइनस किया और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब वो कहता है आपने ये देखें कि ये जो पोर्शन है आपका दिस इज द करंट लाइबिलिटी, और ये जो पोर्शन आपका ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज है। तो आपने दो दो साल अगले अगले साल का पूरा डाटा बनाना है, और उसका जो एंड की फिगर होगी, जो आपका अगले साल ओपनिंग बनना है, वो आपकी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, और जो आप क्रिस्टल पे करना है आपने वो आपकी कलर लाइब्रेरी से। ठीक है जी, आगे प्रेजेंटेशन वगैरह इसकी आप देख लीजिएगा, सिंपल सा टॉपिक है उसका, डिस्क्लोजर इसका है। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है हमारा काम हो गया। अब जो है वो लेसर की जो अकाउंटिंग है वो हम करेंगे। ठीक है जी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी लेसर की अकाउंटिंग जो है उसको अपना सीखेंगे। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह क्लास होगी। कल जो है हम वो जो हमने स्टैंडर्ड पास पेपर शुरू किए हमें उसकी कल क्लास करेंगे। दो क्वेश्चन हमारे एक एक रिकॉर्ड कर लिए थे हमने, तो तीसरा क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो 5 क्वेश्चन हैं उसके पेपर में जितने मैक्सिमम कल हो सकेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सीजन में उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ।